महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि के विकास के लिए 190 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बुधवार को सरकारी वकील ने हाई कोर्ट में ये जानकारी दी। इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शैलेश नारनवरे ने हाई कोर्ट को बताया था कि वर्ष 2018 में दीक्षा भूमि के विकास के लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान करने के बावजूद विकास कार्य शुरू नहीं किए गए। हालांकि 100 करोड़ मंजूर किए जाने के बाद राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए जारी भी किए थे। इसके साथ ही नागपुर सुधार प्रन्यास और NMRDA को नोडल एजेंसी नियुक्त करके विकास प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये सब कुछ हाई कोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका के तहत किया जा रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद दीक्षा भूमि के विकास की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ।